हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है व्हीकल स्टडी चैनल में। हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में 7.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग इस वीडियो में 7.4 प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ओके, टाइप करते हैं तो देखिए, जो आपका जो 7.4 प्रश्नावली है ना, इसमें आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है वो दे दिया कि हमारा समाकलन 3x² / x^6 + 1। ओके, हम इसका करना है समाकलन dx। ठीक है, तो आइए फिर हम करते हैं इसका समाकलन। देखिए इसमें क्या करेंगे ना, हम ये जो है ना हमारा कि 1/6 जो है इसको हम दो भागों में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर लिखते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम। ये तो 3x² हो गया, बटम ये देखिए, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/3 × x^3 लिख सकते हैं ना, फिर +1। ओके, dx। अब देखिए, अभी हम इसको क्या करेंगे कि इस नीचे वाले हम एक्स क्यू को मानेंगे टी, तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मानते हैं हम यहाँ पे मान लेंगे हम, माना x³ = t। ओके, अब इसका हम करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, हो जाएगा हमारा 3x² और टी का हो जाएगा हमारा dt/dx। ओके, और देखिए हमें निकालना है मान 3x² × dx का माना, तो dx को हम ला देंगे इस साइड। ओके, तो हमारा हो जाएगा 3x² × dx = dt। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3x² × dx इस दोनों के जगह पर हम रखेंगे केवल dt। ओके, फिर आइए रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा dt। ठीक, अब ये देखिए एक्स क्यू को हम लोग माने टी ना, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, और इस एक्स क्यू के जगह पर भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा × t × t + 1। ओके, और फिर जाकर तब जैसा का तैसे, अब देखिए जैसे हमारा क्या हो जाएगा, d2 तो dt रहेगा जैसा का तैसे, और बटा में ये देखिए क्या होगा, t का t में गुणा होगा, क्या हो जाएगा t² हो जाएगा, t² + 1। ओके, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, dt को साइड पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बटा में हमारा हो गया t² + 1 / dt। ओके, अब देखिए ये जो हमारा आया है ना, ये देखिए जो हमारा आया ना, एक बटा t² + 1 आया ना, ये डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट ये जो सूत्र है, किसका सूत्र है, देख हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हमारा सूत्र होता है समाकलन 1/(x²+a² का समाकलन होता है हमारा, क्या जिसका सूत्र होता है हमारा 1/a और tan−1 x/a। ओके, हम इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम हल करेंगे। ओके, हम इसी सूत्र का जो यहाँ पर यूज करके इसको हल करेंगे। ठीक, देखिए जो हमारा लास्ट लाइन आया है यहाँ पे, उसको भी लिख ले जैसे सकते से, यहाँ पर आया हमारा समाकलन 1/(t²+1dt। ओके, ठीक, देखिए सूत्र क्या है, 1/(x²+1+1²dx) बराबर इतना है ना, तो पहले इसको हम इस रूप में सेट कर दें, तो हो जाएगा हमारा 1/(t²+1। वन को चाहे था हम लोग लिख सकते हैं ना, 1² और dt। ओके, अब देखिए हमारा बन गया ना, यहाँ पे जो t है ना, ये x के जगह पे है, और t जो है क्या है, x के जगह पे t है, और a के जगह पे यहाँ पे 1 है। ठीक, तो ये सूत्र इसका हम उपयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सूत्र समाकलन हमारा हो जाएगा 1/(a), 1/(a) है ना, तो 1/(a) हो जाएगा। a मतलब क्या, a मतलब हमारा दिया है यहाँ पे 1, तो 1 हो गया। ठीक, फिर tan−1, और ये देखिए फिर दिया x/(a) ना, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, t है, तो t हो जाएगा फिर, अब बटे में a है तो ए है ना, और बट्टे में ए मतलब 1। ओके, और फिर +c, समाकलन खत्म हो गया, तो +c, तो हमें यहाँ से हमारा आगे चल कराया जाएगा क्या, 1 से 1 में भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा tan−1 t/(1), तो t केवल +c। ओके, अब यहाँ पे बस हम t का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया tan−1 और t हम लोग किसको माने हैं, टी हम लोग माने किसको, तो एक्स क्यू को माने हैं ना, ये देखिए एक्स क्यू को टी माने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे एक्स क्यू। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया x³ + c, हो गया हमारा ये फाइनल आंसर।